100% कांग्रेस की सरकार असम के अंदर आएगी, क्योंकि जिस ये सरकार ने पिछले 5 साल में जो हत्याचार किया है युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, और जिस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है असम के अंदर, इसलिए असम के चाहे युवा हों, चाहे टी वर्कर्स हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, उनने तय कर लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार वापस आएगी। आज हमारा सबसे पहला कार्यक्रम, मैं अभी सीधा असम पहुंचा ही हूं, और हम हमारे एक मंदिर में, हमारे वाले मंदिर में हम जाएंगे, उसके साथ साथ हम जो एक हमामी जा रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर हमारे जो संगठन के अलग अलग कार्यक्रम हैं वो हम करेंगे। बहुत तो नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको किसी को पावर की लालच है, किसी के ऊपर कोई दबाव है, किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो हमारे दरवाजे खुले हैं। जो उसको जो दबाव में आ सकता है या जिसको पावर की लालच है, जो इस भारत के संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, जाएं। कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं और अभी भी मैं कह रहा हूं, अलायंस का फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी करेगी, और वो पूरी जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, जो हमारे साथियों की जब रिपोर्ट देंगे, उसके बाद ही कुछ अलायंस की बात हम सोचेंगे। सिर्फ एक UDF ही नहीं है, लेकिन ऐसी अनेक 10-12 और पार्टियां हैं, उनके ऊपर भी हम अपना विचार कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी सपने देख रही है, और जब सुबह वो उठेगी एक दिन, जब उनको मालूम पड़ जाएगा वो 100 है या 10 है या 0 है, मैं इस तरह के स्पेक्यूलेटिव जो है बातें नहीं करता हूँ। ये जो एक हिंदी में कहावत होती है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो रात को रोज़ सोचता था कि मैं क्या बन जाऊँगा, क्या बन जाऊँगा, सुबह उठता था तो बेचारा वही गरीब आदमी।